आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की, जहां लगातार विपक्ष अजय मिश्रा टेनी पर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है और सरकार से उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहा है, जिसको लेकर अब अलग अलग जगह पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। दसरा से लखीमपुर खीरी घटना हुई और उसके बाद अब लगातार प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं और अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। जब से उन्होंने पत्रकार के साथ अभद्रता की है, सवाल पूछे जाने पर अपशब्द कहे हैं और जो उनका रवैया रहा है उसको देखते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है सरकार से, और इस मुद्दे को लगातार कांग्रेस जोर शोरों से उठा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, अलग अलग जगह पे उत्तर प्रदेश में सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर में प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें मांग की जा रही है कांग्रेसियों द्वारा कि अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की जाए, उन्हें पद से मुक्त किया जाए। अठारह दिसंबर को शाहजहांपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, जहां वो राजा के रेलवे ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो जनपदवासियों को गंगा एक्सप्रेसवे और हवाई पट्टी की बड़ी सौगात देंगे। इस जनसभा में 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है, जबकि 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसके लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो चुकी है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी समेत कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी 18 तारीख को शाहजहांपुर में आ रहे हैं। यहाँ पर लगभग 1 लाख पब्लिक का रैली भी प्रस्तावित है। इसके लिए बहुत बड़ी पुलिस व्यवस्था की जा रही है, पुलिस बंदोबस्त किया जा रहा है, फोर्स का आवंटन हो गया है, सबकी ड्यूटी कार्ड्स बन चुके हैं, बुकलेट हमारी तैयार हो चुकी है और कल 17 तारीख को इनकी ब्रीफिंग होगी, इनका रिहर्सल होगा मौके पर, पॉइंट पे जा करके इनकी ब्रीफिंग की जाएगी अधिकारियों के द्वारा, साथ ही साथ इनकी डिब्रीफिंग होगी और डी डे पे इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, क्योंकि 1 लाख पब्लिक यहां पर आ रही है हरदोई से, शाहजहांपुर से और बदायूं से, तो वो सेफली यहां पर आ जाएं, समय से आ जाएं और बिना किसी ब्रेकडाउन के या फिर किसी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता आर्येंद्र जुड़ चुके हैं। आर्येंद्र, क्या कुछ तैयारी की गई है पीएम के आगमन के चलते? देखिए, यहाँ पर जैसे कि 18 दिसंबर के लिए जो है पीएम का प्रधानमंत्री देश के हैं वो आने वाले हैं और यहाँ पर जो है शिलान्यास करेंगे, जो गंगा एक्सप्रेस वे है यहाँ से निकल रहा है, जनपद शाहजहांपुर से होते हुए जा रहा है। इसी के साथ आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो हवाई पट्टी का भी जो है शिलान्यास करने वाले हैं, यहाँ से हवाई पट्टी का भी जो है निरीक्षण किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन है वो लगातार जो है साफ सफाई में जुटा हुआ है और व्यवस्थाएं बना रहा है। वो वहां पर जो है टेंट की व्यवस्था की गई है, टेंट लगा करके पूरा जो है जनसभा को संबोधित भी करेंगे, तो उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। आर्यन, कितने लोगों के जमा होने की संभावना है इस सभा में? देखिए, लगभग जो है 2 लाख लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन लगभग जो है 1 लाख तक लोग यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि जगह जो है वो 2 लाख लोगों लायक नहीं है। 1 लाख लोग जो है आ जाएंगे, उनकी कुर्सियों की भी व्यवस्था, 1 लाख कुर्सियों की व्यवस्था की गई है जो लोग बैठ सके वहां पर, और व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं है जो यहाँ पर 2 लाख लोग आ जाए और कुर्सियों पे बैठ सके। लोग इधर उधर खड़े होकर के भी वहां पर रह सकते हैं, लेकिन इतनी व्यवस्था काफी नहीं की गई है। जी बिल्कुल। आर्यन्द्र, किन किन चीजों की सौगात दे सकते, कितनी बड़ी सौगात दे सकते हैं पीएम जब जिले में आएंगे? देखिए, लगभग जैसे बताया जा रहा है कि सूत्रों से पता चल रहा है कि शाहजहांपुर जनपद के लिए कोई बड़ी सौगात देने वाले, हालांकि इस चीज की पुष्टि नहीं की गई है कौन सी सौगात, लेकिन शाहजहांपुर जनपद वासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी, जो कि यहाँ के जो बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे उनके भविष्य के लिए जो है यहाँ पर लगातार जो बेरोजगारियों को जैसा सामना करना पड़ रहा है ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर बड़ी सौगात देने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आर्येंद्र जुड़े थे शाहजहांपुर से।
आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका आयोजन गाजीपुर के सादात कृष्ण समुदाय परिसर में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ज्योतिषाचार्य पवन सिन्हा और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा रहे। इस दौरान अतिथियों ने आरती और माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पवन सिन्हा ने मंच से खुलकर गाजीपुर का नाम बदलने की बात कही। इस दौरान दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि वीर सावरकर ने कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हिंदू विरोधी भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमेंगे। वीर सावरकर की बात आज सच साबित हो रही है। वीर सावरकर जी ने यह कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू धर्म के विरोधी भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। तो राहुल गांधी को देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए, और अब तो अखिलेश, वो तो गिन रहे हैं उनकी बस में कितने हिंदू बैठे हैं। काश बस में बैठे हुए हिंदुओं के ऊपर उन्होंने ध्यान तब दिया होता जब कार सेवा चल रही थी, तब तो बस से उतार उतार के गोलियां मारी जा रही थी हिंदुओं को, कार सेवकों को। आज अपनी बस में बैठे हुए हिंदुओं को गिनती करने के दिन आ गए हैं। मुझे लगता है वीर सावरकर जी की बात आज सत्य साबित हो रही है, और भारत अपनी संस्कृति, अपने धर्म के मूल की तरफ दोबारा वापस जा रहा है। और जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे, 20% वोट के नाम पर सत्ता में बैठने की गारंटी लेकर। मथुरा नगर निगम बोर्ड के नंबर 5 में रोशन विहार कॉलोनी के लोग अब नाली और खड़ंजा निर्माण की मांग को लेकर चक्का लगाते थक चुके हैं, जिससे बावजूद इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लोगों के घरों का पानी गलियों में जमा है और लोग कीचड़ से होकर निकलने को मजबूर है। आलम यह है कि कॉलोनी के लोग खारे पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं, मजबूरन उन्हें पानी तक खरीद कर पीना पड़ रहा है, और कॉलोनी में अब तक सीवर लाइन भी नहीं डाली गई। स्थानीय निवासी का कहना है कि कॉलोनी में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। चुनाव के समय सभी विकास कार्यों का खाका तैयार करके वोट मांगा जाता है, लेकिन कॉलोनी के लोगों की समस्या को नजरअंदाज कर दिया जाता है। समस्या हमारी ये है कि 5-6 महीने हो गए इस गली को खुद ही पड़ी है। हमारे बूढ़े बुजुर्गों को उतरने चढ़ने की परेशानी होती है। हमारी पूरी गली वहां से शुरू से ले। फरुखाबाद कोतवाली के मसेनी में अवैध अस्पताल की खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद खुल गई। डिलीवरी के लिए महिला को भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल संचालक ने महिला का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के नाम पर अस्पताल संचालक ने 80,000 की रकम लेकर ऑपरेशन किया था, जहां ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ गई। और प्राइम टीवी की पर चलने वाली खबर से अब सीएमओ ने टीम बनाकर जांच का आदेश दिया है। मौके पर पहुंची टीम ने 3 अस्पतालों में कई खामियां पाई, जहां बगैर डॉक्टरों के चल रहे 3 अस्पताल को सीज किया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जब प्राइम टीवी की खबर का असर हुआ है और अब जांच के आदेश दिए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही थी फरुखाबाद में, जहां संचालक बिना किसी परमिशन के ही अवैध रूप से अस्पताल चला रहे थे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अवैध अस्पताल की खबर चलाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की अब नींद खुल गई है। डिलीवरी के लिए एक महिला को भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल संचालक ने महिला का ऑपरेशन भी किया था। ऑपरेशन के नाम पर अस्पताल संचालक ने 80,000 की रकम लेकर ऑपरेशन भी किया, जहां ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ी थी। प्राइम टीवी पर खबर चलने के बाद सीएमओ ने टीम बनाकर जांच का आदेश दिया है। और इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, प्राइम टीवी की खबर का क्या असर पड़ा है? जी, जो प्राइम टीवी द्वारा खबर को प्रमुखता से उठाया गया कि अवैध हॉस्पिटल्स के द्वारा मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन है वो जागा और स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन की तरफ टीम का गठन करके इन फर्जी अस्पतालों के विरुद्ध जांच करने और कार्रवाई करने का आदेश हुआ। तो जो सोम हॉस्पिटल से मारपीट हुई थी जी, उसको सील किया गया। उसके बाद जांच की गई तो कुबेर हॉस्पिटल है, कुबेर पॉली क्लिनिक करके एक वहां पे चल रहा था, जिसका ना कोई रजिस्ट्रेशन ना कुछ था। जब पड़ताल की गई वहां पे ओटी भी संचालित हो रही थी, उसको भी त्वरित सील कर दिया गया। 2 मरीज वहां पे आए गए, उनको जिला अस्पताल लोहिया भी भेज दिया गया। उसके साथ और भी हॉस्पिटल्स पे कार्रवाई की गई है, और जो
ये सीएमओ थे, जब उनसे पूछा गया कि क्या यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, तो उन्होंने कहा है कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, जितने भी अवैध हॉस्पिटल्स हैं उन सभी के खिलाफ जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जाएगी और संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। जी सुंदरम, हम डॉक्टर्स के बारे में और अस्पताल के स्टाफ के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का स्टाफ था, और जो महिला का ऑपरेशन किया गया था जिसकी हालत बिगड़ी थी, अब उसकी हालत कैसी है? जी, जिस महिला का ऑपरेशन किया गया था उसको दा केयर हॉस्पिटल फरुखाबाद में है, पुलिस द्वारा वहां भिजवा दिया गया था। उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। और जो हॉस्पिटल्स का स्टाफ था, जब यहां पे विभाग की कार्रवाई होती है तो हॉस्पिटल का स्टाफ मालिक हॉस्पिटल्स के उसको छोड़ के चले जाते हैं, और बताया जा रहा है कि इन हॉस्पिटल्स में स्टाफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहां पर हॉस्पिटल्स में सिर्फ जो नर्सिंग स्टाफ के होते हैं उनके द्वारा ही सब कुछ वहां पे किया जा रहा है। यहां नहीं, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मरीजों की जान को खतरे में डाला जाता है इन अवैध फर्जी अस्पतालों के द्वारा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से, संवाददाता। वही अब खबर जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के फुवारा चौक का है, जहां पर विद्युत विभाग में संविदा पर तैनात रही महिला कर्मी मंजू अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सेवा बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी गई, ना ही उनके ईपीएफ का अब तक भुगतान किया गया है, ना ही अन्य सुविधाएं मिल पाई है। तो महिला कर्मी भूख हड़ताल पे बैठ गई है, संभल से ये खबर सामने आई है, जहां जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के फुवारा चौक का ये मामला बताया जा रहा है। विद्युत विभाग में संविदा पर तैनात रही महिला कर्मी मंजू अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गई है। यह खबर अलीगढ़ से है, जहां पे अलीगढ़ के कस्बे का मामला बताया जा रहा है। थाने से चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने कबाड़ की दुकान में नकाब लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद चोर मौके से फरार हो गया। और सुबह जब दुकानदार ने दुकान पर जाकर देखा तो दुकान पीछे से टूटी हुई थी, जिसकी सूचना दुकानदार ने स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित को कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो अलीगढ़ से ये खबर सामने आई है, जहां कबाड़ की दुकान में चोरी हुई है, चोरों ने रात के अंधेरे में फायदा उठाया और चोरी की है कबाड़ की दुकान में। जब दुकानदार सुबह दुकान पहुंचा तो देखा कि दीवार पीछे से, यानी दुकान पीछे से टूटी हुई है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश जुट चुके हैं अलीगढ़ से। नितेश, क्या है पूरा मामला और कितने की चोरी की गई है? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला इंग्लास का है, और रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके गया जी, पीछे से चोरों ने कुम्बल लगा के दीवार को निकाल के और चोरी को वारदात को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितेश जुड़े थे अलीगढ़ से। अलीगढ़ के लोधा स्थित जीवन ज्योति अस्पताल में जाबाज पूर्व सैनिक सेवा समिति ने 50वां स्वर्णिम विजय दिवस समारोह मनाया। इस समारोह के मुख्य अतिथि डीआईजी दीपक कुमार, कमिश्नर गौरव दयाल, विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर मुकुल सिंघल रहे। समारोह में कई विद्यालयों के बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए युद्ध से लेकर जवानों के शहीद होने तक का वर्णन किया। इस आयोजन के दौरान शहीद हुए सैनिकों के कार्यों से अवगत कराया गया। आज पूर्व सैनिकों द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो 1971 का वॉर था उसमें जो जीत हासिल हुई थी भारत को, उसके आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज पूर्व सैनिकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये सैनिक अंतर में जो हम लोगों ने प्राप्त की वो सिलसिले में यहाँ पे विजय पर्व 50वां विजय पर्व मनाया गया, और पूरे जो पूर्व सैनिक थे उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, और राष्ट्र देशभक्ति राष्ट्रभक्ति को आगे चलाने के लिए करते रहना चाहिए हम लोग, और पूरी कोशिश करेंगे कि प्रति वर्ष ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे चलता रहे। और हमने सब यहाँ के जितने पूर्व सैनिक आए थे उनको आश्वासन दिया है कि इस अस्पताल में आने पे, जीवन ज्योति हॉस्पिटल आने पे,
वहीं अब खबर औरैया से है, जहां एक ओर पूरा देश 1971 में हुई भारत पाकिस्तान के युद्ध का विजय दिवस मना रहा है, तो वहीं जनपद में भी इसका खासा नजारा देखने को मिला। सन 1971 की लड़ाई में औरैया जनपद का भी एक विशेष योगदान रहा है, जिसमें जनपद के तकरीबन 7 सैनिकों ने अपनी जान देकर विजय हासिल की थी। उन्ही सैनिकों की याद में पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को सम्मानित किया। देवरिया के रामलीला मैदान में चल रही रामकथा के चौथे दिन श्री राजन जी महाराज ने रामकथा का वाचक करते हुए कहा कि भगवान का जन्म नहीं होता, वो तो प्रकट होते हैं। इसलिए जीवन में अगर भगवान से कुछ मांगने की इच्छा हो तो स्वयं भगवान या उनकी भक्ति मांग लिया जाए। ये रामकथा हो रही है, जन जन के हैं राम, कंकड़ के हैं राम, पूरे संसार के हैं राम। तो राम कथा का आयोजन करके हम लोग जो है ये बताना चाहते हैं कि किस तरह भगवान राम ने जो है अपना जीवन संघर्षों साथ और बहुत मर्यादित होकर व्यतीत किया, इसीलिए उन लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। तो पूज्य राजन जी महाराज के तत्वाधान में जो है उनके श्रीमुख से कथा हो रही है और 13 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक। फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के कजरन डेरा मजरे बेता गांव में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब बनाने वाले के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बकेवर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बकेवर पुलिस ने मौके से 340 लीटर अवैध शराब समेत 22 क्विंटल लहन नष्ट करा, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस अभियान की खास बात यह रही कि पुलिस ने इस कार्यवाही में ड्रोन कैमरे की भी मदद ली। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से लहन को नष्ट किया गया है, बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस पूरी कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरे की सहायता ली गई इस लहन को और शराब को ढूंढने के लिए, और सभी तस्वीरें भी इसी से रिकॉर्ड करी गई हैं। फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के कजरा नजेरा मजरे बेता गांव का यह मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। अमरदीप, किस तरह से इस लहन और शराब को पकड़ा गया पुलिस द्वारा? देखिए, इस समय फतेहपुर जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक तो अपराध एवं अपराधियों एवं अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ एक लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें कल जो है बकेवर पुलिस को एक भारी सफलता मिली है और सफलता के पीछे मुख्य कारण रहा ड्रोन कैमरे से निगरानी किया जाना। उसके चलते जो है लगभग 320 लीटर शराब, अवैध शराब और 8 अदद भट्टियां भी बरामद हुई हैं जिनके द्वारा शराब बनाई जाती है, और लगभग 22 क्विंटल लहन भी मिला है जिसको पुलिस ने मौके पर नष्ट करवाया है। तो एक तरह से जिले में अगर देखा जाए कि अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ जो एक अभियान चल रहा है, और इसको अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो ये इनका महीने पे एक रूटीन वर्क भी चलता है पुलिस का कि ये बार बार ये कर रहे हैं, पर ऐसा कोई अभी तक कानून नहीं बना जिससे कि अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ एक जबरदस्त जो कानून पास हो जिससे कि ये अवैध शराब को बनाने का ये कार्य छोड़ दें। अमरदीप, ये आरोपी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किन धाराओं में इन पे मुकदमा दर्ज होगा? देखिए, ऐसा है कि ये तो बहुत पहले से चला रहा है कि अवैध शराब बनाने का कार्यक्रम, पर ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं कि जहां पर एक अमिश्रित शराब पीकर के लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, वहीं पर ये बराबर जो है शराब बन रही है, इससे कोई कठोर रोकथाम नहीं लग पा रही है। पर इसमें मुकदमा जो लगता है जाकर के, तो उसमें क्या होता है कि एक निजी मुचलके पे भी छोड़ा जाता है और कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ता है। अगर माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट कानून के अनुसार कि जिस सजा में कोई मतलब ऐसा प्राविधान नहीं है जिसमें 8 साल का कोई मामला हो, तो उसमें ये निजी मुचलके पे ही छोड़ दिए जाते हैं, वार्निंग भी जाती है, पर ये लोग अपनी वार्निंग मिलने के बाद भी ये इस तरीके का अवैध धंधा नहीं छोड़ते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ फतेहपुर से संवाददाता अमरदीप जुड़े थे। हरदोई में आवास की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने विकास भवन में प्रदर्शन किया। इस दौरान विकास भवन में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने विकास भवन गेट में ताला लगा दिया, जिसके बाद किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई और पुलिस ने किसानों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में नजर बंद कर दिया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट सदानंद गुप्ता ने बताया कि किसान यूनियन लोक शक्ति गुट ने प्रदर्शन कर गेट बंद कर दिया, जिसके काम में रुकावट आ रही थी। किसान यूनियन लोक शक्ति गुट के द्वारा आज अचानक
विकास भवन के गेट को जो है बाधित किया गया है। इसके संबंध में इनको बहुत समझाने बुझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन ये बहुत ही उग्र हो गए थे, इसलिए इनको पृथक करते हुए। लखीमपुर के त्रिकोलिया गांव में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौत की खबर से परिवार वालों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेज दिया है। पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। तो आपको बता दें कि युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई पूरे इलाके में, परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। लखीमपुर से ये खबर सामने आई है, लखीमपुर के त्रिकोलिया गांव से ये खबर बताई जा रही है। मैनपुरी ब्लॉक सुल्तानगंज के सभागार में पीएम ने प्राकृतिक खेती से जीरो बजट पर आधारित गुजरात से सीधा लाइट प्रसारण किया। किसानों को दिखाकर खेत की आय दोगुनी करने की जानकारी दी। इस दौरान ब्लॉक सभागार में 200 से अधिक किसानों और सहायता समूह सखी की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मथुरा में बसंत दिवस की स्वर्ण जयंती पर स्ट्राइक एक कोर ने सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। समारोह की शुरुआत कोर वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद पोस्टेड कवर और बसवंत डे ट्रॉफी जारी की गई। और इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि बसंतर की लड़ाई को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने इस युद्ध के महान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्ट्राइक वन के परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। तो शहीदों को सम्मानित किया गया है। मथुरा से ये खबर सामने आ रही है, जहां मथुरा के बसंतर दिवस की स्वर्ण जयंती पर स्ट्राइक वन कोर ने सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। समारोह की शुरुआत कोर वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण के साथ हुई है। और इसके बाद फर्स्ट डे कवर और बसंतर डे ट्रॉफी जारी की गई है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि बसंतर की लड़ाई को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने इस युद्ध के महान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नहीं, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं यहीं का रहने वाला हूँ जी, और जब मैं गया था यहाँ से, आर्मी में बहुत कम लोग थे ऑफिसर्स, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है मैं अकेला ही गया था। मेरा नाम कर्नल विक्रम सिंह है और मेरा गांव भी यहाँ नज़दीक ही पड़ता है। तो जब मैं गया था तो ये एक यंग ऑफिसर था, कैप्टन था, मेजर कैप्टन था, चलता रहता था, कभी बर्दा दिया कभी कुछ कर जी जी। और इसमें जो सीओस थे हमारे पास, तो इक्विपमेंट कुछ भी नहीं था, 55 टैंक पाकिस्तान के पास, तो उनके पास तो पैटर्न टैंक थी, लेकिन कहते हैं ना कि मैन बिहाइंड द गन, और वो जो है ना, तो वो जो है ना जिस तरीके से राइट। सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील पचमोहिनी के मुड़िला गांव में अचानक एक घर में आग लगने से 3 भैंस समेत घर का सामान जलकर राख हो गया। वो परिवार उन भैंसों से अपनी जीविका चला रहे थे। इस मामले की सूचना मिलने पर पहुंचे लेखपाल और पशु डॉक्टर ने लेखपाल ने जांच करके आश्वासन देते हुए कहा कि वो शासन से मुआवजा देने की अपील करेंगे। सीतापुर में आमाघाट के माध्यम से पुलिस के पास चोरी की योजना बनाते हुए थाना सदना पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई नकदी और जेवर भी बरामद हुए हैं। तो बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को, जहां चोरों को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर के आमाघाट के मध्य पुलिस के पास चोरी की योजना बनाते हुए थाना सदना पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नकदी बरामद हुई और जेवर भी बरामद किए गए। सोनभद्र के घोरावल कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों एक व्यापारी की मोटरसाइकिल से बदमाशों ने 2,00,000 रुपए चोरी किए थे, जिसका खुलासा एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने करते हुए 3 अंतरजनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 3 तमंचा, 4 कारतूस, 1 बाइक और 54,000 की नकदी बरामद की गई है। तीनों बदमाशों के ऊपर कई जिलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कार्य किया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 दिसंबर को एक
आयुब नाम के एक व्यक्ति हैं जो ककराही के रहने वाले हैं। इन्होंने रावतगंज के पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख रुपए निकाले थे और कुछ लोग इनका बैंक के अंदर से ही रैकी करते हुए और पीछा करते करते अंततः घोरावल बाजार में जाके उनका पैसा डिक्की खोल के निकाल लिया गया था। इसमें चोरी का मुकदमा घोराव थाने पर लिखा गया था, जिसमें टीम का गठन कप्तान साहब के द्वारा किया गया था और इनकी अथक प्रयास और परिश्रम से आज सुबह। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।